पाव भाजी, पाव भाजी? और मैं अच्छी बनाती हूँ। आप भी अच्छा बनाते हैं? हाँ, अच्छी बनाती हूँ। पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है। और द आइडिया ऑफ समोसा पाव जो मैंने पहली बार जब आप चंडीगढ़ जाते हैं, नॉर्थ बेल्ट पे जाते हैं, इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट द आइडिया ऑफ अ समोसा इन अ पाव। ट्रू। जब मैंने पहली बार यहाँ खाया मैंने कहा माय गॉड ये क्या है, रेवोल्यूशनरी। हाँ गाइस यू टू ट्राई दिस आउट। और वहां पे बोलते हैं गोलगप्पे, वहाँ होते हैं ठंडे पानी में चने डाल के आलू, यहाँ होते हैं थोड़े से गर्म पानी में, गर्म चना ना, गर्म चना और गर्म पानी में। वो थोड़ा सा मुझे अलग लगा, बट जमाने हाँ वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार गोलगप्पा मतलब ठंडा पानी, और जब तक वो मतलब वो फील ना है ना आंखों से थोड़ा पानी ना निकले मतलब आपका सेशन कंप्लीट नहीं गया। ओह डैम, ऑफ कोर्स। एंड ठीक है, बट चटनी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। द मुंबई सैंडविच, द मुंबई सैंडविच, द बॉम्बे सैंडविच जो बहुत अच्छा लगता है। इट्स हाँ, सेव पूरी, यू नो, भेल पूरी, वो सब तो मतलब सब स्ट्रीट फूड के नाम ले रही हो बैक टू बैक, सब बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई मंत्र है क्या, मतलब ये सब आप खाती हो फिर इधर उधर कहीं कहीं जाके फैल जाता है बॉडी में? नहीं लगता। नहीं नहीं, मुझे लगता अगेन आई थिंक 7:30 बजे से पहले आप सब कुछ खा लो तो अच्छा है, बेटर। आई थिंक दैट्स बेटर। डू एनी सम स्मॉल एक्टिविटी और व्हाटएवर यू फील, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, व्हाटएवर। और मुझे यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। मोदक, हाँ मोदक, जब मैं अगेन मोदक वाज अ रेवलेशन, क्योंकि हमने तो लड्डू ही आज तक चढ़ाए हैं भोग। मैंने कहा मोदक व्हाट इज दिस यार, अगेन ये मोदक मिलते हैं यहाँ पे, ट्राई दिस, मैं लाऊंगी। तो आई एक्चुअली गॉट यू नो मोदक फॉर एवरीवन होम, दैट वाज वेरी न्यू। गणपति फेस्टिवल वाज सो न्यू, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही छुट्टी होती थी कि आज गणेश चतुर्थी है, करेक्ट। बट यहाँ पर तो पूरे यू नो डेढ़ दिन, तीन एंड यू नो सो ऑन सो फोर्थ, तो वो बहुत यूनिक था, बहुत यूनिक था। और खाने में अगेन ये I enjoyed actually misal pav also, but I think pav bhaji has to be my favorite. वो जो चपाती पे जो मिलती है, that's amazing. सही बात है. Which brings me to the next question. मुंबई की बारिश. हाँ. इसकी कोई कहानियाँ? कहानी मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ. उसके बाद मैंने कहा ये तो खत्म ही नहीं हो रही. Again guys, hello. यहाँ खत्म नहीं होती बारिश. मेरा ना ऑटो फंस गया है. तीन दिन से चल रही है. मैं कैसे आऊँ घर? But you know, just to see how everybody still again manages, it's incredible. और वो जो चिपचिप और कीचड़ वाली जो फीलिंग होती है मेरे, अच्छा मैं बचपन से थोड़ा सा, मेरा एक और वो है कि साफ सफाई बहुत होनी चाहिए, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली सब कुछ होना चाहिए। तो मेरी जो नज़र थी सेट पे शुरू के दिनों में, नीचे ज़मीन पर रहती थी, क्योंकि मैं देखती थी कौन दादा आए हैं और उन्होंने अपने पैर नहीं साफ किए और उन्हीं पैरों से अंदर आ रहे हैं, और वो ही मतलब इट जस्ट दैट यूज़ टू गिव मी सो मच trouble, it still does, but now I don't express it that much.